फटाफट से। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। ये मॉर्निंग का टाइम था और मेरा फिर से और पुराना वाला ही रूटीन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने जॉब फिर से शुरू कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, ग्लास गर्म पानी करती हूँ मैं अपने लिए और सबसे पहले मॉर्निंग में मैं गर्म पानी ही लेती हूँ, ये मेरी हैबिट में है। और आराम से गर्म पानी लेने के बाद क्लीनिंग का काम करती हूँ और जो भी झाड़ू वगैरह करना होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि लंच ले जाना होता है तो वो फटाफट से खाना बनाना होता है। और देखिए कितनी फास्ट मोड में जैसे वीडियो चल रही है ना, काश ऐसे फास्ट मोड में हमारे सारे काम हो जाते तो कितना अच्छा होता ना। टाइम कंज्यूमिंग जो हमारी प्रोसेस है वो कम हो जाती। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं आटा लगा लूँगी और आटा लगा के इसको रख दूंगी मैं रेस्ट के लिए, और तब तक मैं सब्जी की प्रिपरेशन कर लूँगी और उसके बाद में जो है अपनी चाय बनाऊँगी और चाय को मैं आराम से बैठ के पीती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से आटा लगा लेते हैं, उसके बाद में फिर सारे काम करेंगे। आटा लग के मेरा हो गया है रेडी, अब इसको मैं ढक के रख दूंगी रेस्ट के लिए और जब तक मैं कर लूँगी अपनी सब्जी की प्रिपरेशन और साथ में रख दूंगी चाय। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने रख रही थी और है ना, बिना चाय के मेरी मॉर्निंग नहीं होती है। ये मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक जो होती है ना उसकी तरह काम करती है, बिना इसके मेरी एनर्जी आती नहीं है। और आप बताओ, सबको ही हैबिट होती है चाय की, आप लोगों में से किस किस को चाय की हैबिट है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ पर चाय मैं रख दूंगी और साथ में जो अपनी सब्जी है उसकी भी प्रिपरेशन कर लूंगी। आटा लग के मेरा रेडी हो गया है, वो रेस्ट पर है और ये देखिए फटाफट से चाय, यहाँ पर देखिए चाय भी बन के हो गई थी रेडी। और उसके बाद में ना लंच की प्रिपरेशन मतलब सब्जी की तैयारी करूँगी और जो पराठे हैं वो बनाना है तो वो भी बना लूँगी, लेकिन सबसे पहले आराम से बैठ के ना चाय पीऊँगी। ये टाइम मैं अपने आप को देती हूँ क्योंकि उसके बाद में मैं ना 8 बजे निकलती हूँ घर से तो 4:30 बजे आती हूँ, इसलिए चाय को आराम से पीती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म एक कप चाय हमारी रेडी है। तो मतलब अब जाऊंगी मैं नहाने के लिए और नहा के हो जाऊंगी रेडी, अब बस मेरा यही काम रह जाता है। लंच जैसे तैयार हुआ अब मैं सीधा नहाने के लिए चली जाऊंगी और नहा के रेडी होके अपनी जॉब के लिए निकल जाती हूँ। और ये देखिए मैं अपनी जॉब के लिए निकल गई थी, यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:55 पर मैं घर से निकल जाती हूँ और 8 बजे करेक्ट ना मेरी गाड़ी आ जाती है, जिस व्हीकल से मैं जाती हूँ व्हीकल्स आ जाता है। मैं भी अच्छी हूँ, तो स्वागत है आपका मेरे को न्यू ब्लॉग में। तो अभी ना शाम को मैं आई अपनी ड्यूटी से और उसके बाद में थोड़ा सा लेट गई थी और क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा था, इतना हेडक हो रहा था और फिर लेट गई, उठ के फिर चाय पिया एक कप और उसके बाद में ये देखिए स्वीट कॉर्न ये लेके आए थे तो बॉईल किया इनको और अभी यही खा रही हूँ मैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भुट्टा ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस अभी इसको खाऊंगी और उसके बाद में क्लीनिंग का भी शाम का जो काम होता है रूटीन का वो कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि जैसे मैंने बताया आके मैं सो गई थी और सोने के बाद में उठ के बस चाय लिया
और अब ये भुट्टे खा के सारा काम मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं किया है। और लंच में देखती हूँ क्या बनाना, वैसे कुछ बनाऊंगी नहीं डिनर में, सॉरी लंच बोल रही हूँ मैं, लेकिन डिनर में शायद ही कुछ बनाऊँ, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में जो बना के गई थी ना वही खाना रखा हुआ है, और ये फिर भुट्टा खा लिया, केला लेके आ गए थे तो केला भी खा लिया, तो बस अभी तो यही खा रही हूँ मैं, डिनर में शायद ही कुछ बनाऊँ। तो चलिए अभी फिलहाल इसको खाती हूँ, उसके बाद अपने काम स्टार्ट करूंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। इस मंदिर को आपने मेरी वीडियो में बहुत बार देखा है, शिव जी का मंदिर है जो कि मेरे घर से थोड़े ही डिस्टेंस में बहुत बड़ा मंदिर है, और यहाँ पर ना कितने अच्छे से इसको सजा के रखा है, सावन महीने में इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। सरदर्द हो रहा है मेरा, इतना सरदर्द हो रहा है ना बता नहीं सकती, और मौसम खुला हुआ है ना इसलिए सोचा कि थोड़ा सा घूम लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, तो शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ अभी। और ये देखिए यहाँ के जितने भी डॉग है ना सारे मस्ती करने लगते हैं इस तरीके से, चलिए थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। जस्ट वॉक करके आई हूँ मैं, और आज ना मुझे इतना ज़्यादा हेडक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा है, अभी तो बस मैं चेंज करूँगी और चेंज करने के बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि ना शायद माइग्रेन हेडक हो रहा है मुझे, और अगर मैंने रेस्ट नहीं किया ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। मुझे आपको पता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और माइग्रेन में जैसे मैं रेस्ट नहीं करती हूँ ना तो फिर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। वॉक करने इसलिए गई थी कि थोड़ा मुझे आराम मिल जाए, तो देखिए जैसे भी कितना चिल्ला रहा है, इसको भी बाहर जाना है। तो चलिए अभी हाल फिलहाल मैं करती हूँ चेंज, और चेंज करने के बाद में मैं सो जाऊँगी, और सोने के बाद में देखती हूँ आराम मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।